हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो सेक्स वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है आपके पर्सन की फाइनल डिसीजन आपके लिए क्या होगा, क्या वो सोचे है, क्या वो उन्होंने मन बनाया है। तो जो भी सिचुएशन के लिए आप देखना चाहते हो देख सकते हो, चाहे आप एक्स के लिए देख रहे हो, करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी आप देख सकते हो। एंड डेफिनेटली इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, ठीक है। सो ऑफकोर्स इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग। सो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल एंड प्लीज डोंट रेस्पॉन्ड टू एनी टाइप ऑफ वो जो आ रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे मेरे फोटो में के नीचे बना के प्लीज रेस्पॉन्ड मत कीजिएगा, दोज आर ऑल स्पैम, आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स, प्लीज अवेयर रहिएगा, ठीक है। मेरा फोटो लेके ना कुछ नंबर्स ऐसा आ रहे हैं, प्लीज डोंट रेस्पॉन्ड। सो गाइज, कमेंट सेक्शन पे जरूर इस रीडिंग को क्लेम करें और पूरी रीडिंग पे आप अपने पर्सन के बारे में रेगुलरली सोचे, फोकस करें, ठीक है। पॉजिटिव ही आप सोचिएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे देखो, पहली दफा में जो मुझे यहाँ पे साइन मिला वो था एक इन्फिनिटी साइन, बाद में ये एक पॉट के जैसा बन रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन हो सकता है, हो सकते हैं मे बी दे आर एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकता है या वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। उनके हो सकता है कि कुंभ राशि या वर्गो जो भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि ये इंसान, ठीक है, यस दे आर गेटिंग देयर स्ट्रेंथ, वो जो हिम्मत है ना उनको मिल रहा है। यहाँ पे देखो एक कार की शेप के यहाँ पे लग रहा है ये इंसान, बहुत ही जल्द। कार मतलब क्या है, ठीक है, स्पीड जिसका काफी ज्यादा है, राइट। तो आपके जिंदगी में ये पूरी तरह से एक कार की शेप ले रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे देखो एक शैडो यहाँ पे आ रहा था, तो कहीं ना कहीं पे इसका विंडो भी दिख रहा है, राइट। मैं जो भी बोल रही हूँ वो शेप के अनुसार बोल रही हूँ। तो ये इंसान आपके तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं या आपके तरफ आना चाहते हैं, इनसे सबर नहीं हो रहा है। कभी कभार इनको लगता है ऑफकोर्स कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये कैसे हम इसको फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। गाड़ी बैकवर्ड पे ले, रिवर्स में ले या आगे करें, ठीक है। इस तरह का सोच, इस तरह का मनोभव इनको जरूर होता है। बट ये इंसान ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर फीलिंग्स। उनके लिए ना जग सुना सुना लगता है पूरी तरह से आपके बिना, ठीक है। आई डू फील लाइक दैट। यहाँ पे एक वन आ रहा है, ठीक है, 1111 कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। नवंबर महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है या 1/19/10/28 कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। नाउ इट्स टेकिंग द शेप ऑफ एन एलिफेंट। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है वो एक्चुअली में क्या है ना, वो आपको मानते हैं कि यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर देम। कहीं ना कहीं पे अबंडेंस, मतलब कहीं ना कहीं पे सिर्फ पैसा ही अबंडेंस नहीं लेके आता है, आपको पता है मानसिक जो शांति है वो चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे वो जानते हैं कि आप इनके लिए, देखो एलिफेंट जो होते हैं वो अपने किड्स के लिए, बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होते हैं वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो जानते हैं कि आप कभी भी इस दुनिया में, ठीक है, एक बार भी हेजिटेट नहीं करते हो अपना फीलिंग्स जाहिर करने के लिए, लेकिन उन्होंने किया। कुछ लोग के लिए आपके रिलेशनशिप अभी भी, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन। ये इंसान हो सकता है कुछ लोग के लिए अपने फैमिली से बोलने के लिए तो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये फेलियर हुए हैं। बट वो बात आपसे छुपाया, यू यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो टेकिंग द शेप ऑफ अ, यू कैन से दैट राइनो और समथिंग लाइक दैट, एनिमल स्पिरिट्स। तो कहीं ना कहीं पे इनके बहुत टेंडेंसी हो रहे हैं,
आपको कौन सा शेप दिखाई देगा आप प्लीज बताना, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दिस, ओके। कहीं ना कहीं पे अगर हम इस तरह से देखें तो ये एक उंगली और इस तरह से हाथ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है इनको बहुत सारे लोग या आपको भी इन्होंने काफी ज्यादा ब्लेम किया। यहाँ पे सेवन आ गया है, देखो एक सेवन एक एरो यहाँ पे आ रहा है। कहीं ना कहीं पे इन्होंने काफी ज्यादा ब्लेम किया था आपको कुछ वक्त के लिए। ऐसा हो सकता है आप दोनों के अंदर फाइट्स था बोल के ना, अननेसेसरी उन्होंने झगड़ा मतलब आपसे, मतलब इस तरह से उन्होंने फाइट किया, डिसएग्रीमेंट हुआ अननेसेसरी, ताकि आप इनके लाइफ से चले जाओ। क्योंकि इनको मतलब कोई ना कोई इनको तो मजबूरी थी, मे बी थर्ड पार्टी, मे बी देयर फ्रेंड्स वेर प्रोवोकिंग, या अपने रिलेटिव्स या अपने मॉम या अपने डैड, ठीक है, कोई ना कोई तो था इनको इस तरह से किया। इनका खुद का मेंटालिटी भी था, ये बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं ढूंढ रहे थे और बेटर ऑप्शन शायद इनको मिला, बट उनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है। सो दे हैड पुट द ब्लेम ऑन यू, ये तो श्योर है, ठीक है। फिर से एक एरो आ रहा है और फिर से यहाँ पे एक, खुद देखो आप यहाँ पे एक थ्री आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे थ्री कैन बी रिलेटेड मार्च महीना, जुलाई महीना, या हो सकता है कि नवंबर महीना कैन बी रिलेटेड टू यू। एक मशरूम भी यहाँ पे उल्टा साइड पे अगर हम देखें, एक मशरूम भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, या इस तरह से एक कैंडल भी फॉर्म हो रहा है। इसका कैंडल है और ये इसका रोशनी है। तो कहीं ना कहीं पे आपको सही निर्णय, देखो कितना बारिश हो रहा है यहाँ पे इसलिए आवाज आ रहा है उसका, ठीक है। तो आई डू फील लाइक दैट कि इस रिलेशनशिप में मतलब जिस तरह से तूफान आता है, जिस तरह से रोशनी आती है, हमारे वेदर चेंजेस होते रहते हैं, सीजन चेंज होते रहता है, इस रिलेशनशिप ने भी बहुत कुछ, आप दोनों के रिलेशनशिप ना बहुत कुछ देखा है, झेला है, आपने भी कई हद तक टॉलरेट किया है। उन्होंने अपने एरोगेंस में रह के, या मुझे लगता है कभी कभार तो वो अपने ही सिर्फ बातें आपसे मनवा करते थे कि नहीं मैं इस टाइम पे अवेलेबल, सॉरी अभी ट्विस्ट हो रहा है, अवेलेबल रहूंगा या रहूंगी उस टाइम पे, मैं अवेलेबल रहूंगा या रहूंगी, आप मुझे उस दौरान कॉल करना। कहीं ना कहीं पे आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहा बट इन्होंने मना कर दिया। तो बहुत कुछ घटनाएं होते रहे। आपके पर्सन हो सकते हैं लियो हो या स्कॉर्पियो हो या एडीज हो सकते हैं, ठीक है, ठीके? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, तो आपके पैर इस तरह से होंगे, मतलब आप बैठे होंगे और इस तरह से ऐसा पैर करके बैठे होंगे आप, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान को चुनौती दिखता है इस रिलेशनशिप में। फिर भी देखो जिस किसी के साथ दिल का रिश्ता हो या सोल कनेक्शन हो, ये हजार लाखों गुना कोशिश करे लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं होना हो पड़ते, ठीक है। कभी कभार इनको लगता है ठीक है जाने दो, और कोशिश करके भी फायदा नहीं, शायद आप नहीं मानोगे, या आई देखो आईब्रोज यहाँ पे देखो, ये दुखी बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो कैन यू सी द हैप्पी फेस, नो आई कैन नॉट सी, ठीक है। ये डिससेटिस्फाइड भी है क्योंकि यूनियन नहीं हो पा रहा है, या कुछ ऐसा हुआ था आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव के कारण बना। बहुत अच्छा ही चल रहा था, शायद कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने नहीं सोचा था कि इतना डीप चला जाएगा रिलेशनशिप, बट शायद ये ऐसे ही सिंगल रहना चाहते थे, शायद ये ऐसे ही मतलब अपने जिंदगी को ऐसे ही गुजारना चाहते थे। लेकिन जैसा बोला जाता है ना, वन सोल इज डिस्टाइंड टू मीट अनदर सोल, इस तरह से है। तो ये पूरी तरह से ना पूरी तरह से ये सोनापन लग रहा है। यहाँ पे एक हॉर्स आ रहा है, तो यह इंसान बहुत ज्यादा स्पीड, पहले उनका जो स्पीड था वो काफी ज्यादा कम दिखा होगा आपको, ठीक है, इनका लेथर्जिक इनएक्शन, बट ये अभी बहुत फास्ट सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, प्रायोरिटीज इनका खुद का गोल तो है, आप नहीं बोल रहे सकते कि नहीं 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 ये खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, नो दे आर डूइंग दैट, बट स्टिल दे आर थिंकिंग ऑन यू, ठीक है। अगर आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है तो ये नेक्स्ट लेवल तक रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, थर्ड पार्टी है यहाँ पे ऑफकोर्स, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो चीज, चारों तरफ से दिख रहा है ना कोई, मतलब बहुत सारे लोग आप दोनों के रिलेशनशिप के बीचों बीच आ रहे हैं, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दैट एंड एक यस, देखो यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा स्ट्रांग बंदा है या बंदी है जिनको रोक रहा है, इनके मुंह को बंद करने की कोशिश कर रहा है। इट्स दिस इज लाइक दिस, जस्ट शट अप, इट्स लाइक दैट। मतलब कोई ऐसा हो सकता है क्रूएल इंसान जो नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सुलह हो जाए, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड इट आउट हु इज दैट पर्सन, शायद उनके फैमिली में से, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है। रिसेंटली आपके पर्सन के कुछ सक्सेस हुए हैं, शायद इन्होंने गाड़ी खरीदा हो, शायद उन्होंने बाइक्स खरीदे हो, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके अचीवमेंट्स हुए हैं और इस चीज को वो शेयर करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपके आगे आना चाहते हैं, मतलब आप खुद आके आपको सब कुछ बयां करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू टेक द बिग डिसीजन। अभी ये किसी का सुनने वाले नहीं है, ठीक है। इन्होंने बहुत लॉजिकली सोचा, बहुत दिल से सोचा, दिमाग से सोचा, और इन्होंने बहुत ज्यादा सोल से सोचा है, ठीक है, आत्मा से सोचे हैं। तो जब कोई कनेक्शन होना होता है वो होके ही जाता है, ठीक है। देयर इज समथिंग हियर, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक देयर इज, यहाँ पे कोई औरत है, देखो इसका जूड़ा बना हुआ है, या आप दोनों हो सकते हो, आप दोनों ऑपोजिट है। यहाँ पे देखो बातचीत नहीं हो रहा है, या मतलब कभी कभार होता भी है तो झगड़ा हो जाता है, ठीक है। ये सारे चीज सॉल्व होगा। जेमिनाई हो सकता है आपके पर्सन, मिथुन राशि हो सकता है, या पाइसिस हो सकते हैं, ओके। बहुत इमेजिनेटिव है आपके पर्सन, इल्यूशन भ्रम भी करते हैं, फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। यस आई डू फाइंड लाइक दैट, आप खुद देखो यहाँ पे दिस पर्सन इज फेसिंग दिस साइड, यहाँ पे ये साइड, और यहाँ पे एक बच्चा भी है, सम किड इज देयर, तो समवेयर द किड इज इन्वॉल्व। हो सकता है आपके पर्सन के खुद के फैमिली हो। देखो यहाँ पे भी लड़ाई है। आप दोनों ऐसा किया करते थे क्या, मतलब जब एक साथ है, यू यूज टू स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, फिर मात हम लोग सर से भी लड़ाई करते हैं कभी कभार। देखो इस सर से, मतलब आप दोनों एक साथ बैठे होंगे एक जगह पे, बहुत अच्छा सा समय गुजारा होगा, या बहुत कुछ शेयर किया होगा आप दोनों ने। यहाँ पे देखो यू आर शेयर्ड, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से ट्रांजिशन हुआ, फिर सेपरेशन हुआ, फिर बहुत डीप होता गया सब कुछ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अभी जाके ये कगार में है कि ये सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अ लॉट, दे आर थिंकिंग अ लॉट। बहुत अच्छा आज शेप आया, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं गाइस विद मोनोलॉजी ओरेकल यूनिवर्स फेट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स उनके लिए क्या गाइडेंस है, वो को क्या करना चाहिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, हो सकता है ये इंसान आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, यूनिवर्स आपका परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए आपको इतना, मतलब आपको लग रहा है ना बहुत हो चुका, अभी बहुत हो गया, अभी इमोशंस आ रहे हैं। मैंने आपको बताया, आपको लग रहा है सबर का, मतलब जिस तरह से होता है ना फ्लड हो जाता है ना, बाढ़ आ जाता है, बहुत हद तक चला गया ये, ठीक है। एडजस्टमेंट से रिक्वायर, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना आप सीखे, अभी यूनिवर्स आपको ऐसा बोल रहे हैं, तो लर्न दैट लिटिल बिट एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये जो एक डिफिकल्ट फेज सबकी जिंदगी में आते हैं और सबको डील करना पड़ता है, क्योंकि हम पृथ्वी में जन्म लेते ही है, कुछ कर्म जो है हमारा पेंडिंग है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल है ये, कर्मिक साइकिल है, सो ऑफ कोर्स इट विल एंड। कैप्रिकॉर्न हो सकता है कोई यहाँ पे, आप आपके पर्सन, ठीक है। होल्ड योर विजन, आपका जो लक्ष्य है डोंट क्विट, ठीक है। आपका प्यार है तो आप क्यों छोड़ोगे, ठीक है। यू आर गुड एनफ, आप खुद सही हो, ठीक है, आप खुद सही जा रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग इन अ राइट डायरेक्शन, सो होल्ड योर विजन। आपको हार नहीं मानना है रिलेशनशिप में,
लेकिन फिर भी आपका फैसला है, ठीक है। लेकिन आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे जो भी इंसान हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। सो इफ यू हैड एंजॉयड, यू लव्ड इट, यू लाइक्ड इट, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो 6 ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस।